गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर टेंथ पे। हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर टेंथ सर्कल कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी फुल डिटेल थ्योरी बताई है सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, रेडियस क्या है, कोर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, सब बहुत डिटेल में बताया। इससे पहले आप ये लेक्चर अगर देख रहे हो तो इससे पहले पहले वाला लेक्चर देखो, तभी आपको बिल्कुल थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी क्लियर होगी तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 9 के कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपने 9th में पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं एक साल में आप भूल गए होंगे। तो एक बार उन सबको रिकॉल करवा देता हूँ, क्यों? क्योंकि उन्हीं सबका काम आने वाले थ्योरम में और क्वेश्चन में पड़ेगा। अगर हमें वो चीज़ें नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे और सोच ही नहीं पाएंगे कि वो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले थ्योरम, ये थ्योरम है क्लास 9 की पहली थ्योरम है। इसको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ है नहीं अभी आपके सिलेबस में, 9th में था ये। तो इसको हम समझ लेते हैं ये थ्योरम है क्या। ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है द स्ट्रेट लाइन ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल बना लेते हैं ये सर्कल, ठीक है। ये सर्कल हो गया और सर्कल का ये कहीं सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर ले लिया और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कर दी ये ड्रॉ। अब आगे देखो, टू बाइसेक्ट अ कोर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। एक कोर्ड खींच रहा हूँ जो डायमीटर नहीं है, ठीक है। तो ये कोर्ड हो गई ऐसे, ध्यान से देखना, ये देखो ये कोर्ड हो गई ऐसे, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, और इसको मिटा के यहाँ पे ये लिख लेता हूँ मैं एम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब इन दोनों को मिला दो, इसको इन दोनों को। तो देखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान से देखना। ये डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये इक्वल होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। पहली चीज़ रेडाई लिख लेना, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा हो जाती है रेडियस तो रेडाई हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि जो ये मेरा ओ एम है, क्या लिख रहा है, ओ एम स्ट्रेट लाइन आज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ओ एम है, ओ एम ये मेरा परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर है मतलब एंगल होगा ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? और जो ये ओ एम है ये बाइसेक्ट करेगा ए बी को, मतलब जो ओ एम है ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है। याद रखना, मतलब क्या हुआ इसका, कि ए बी जो होगा, ए बी होगा, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम प्लस एम बी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है तो AM की जगह मैं MB लिख सकता हूँ या MB की जगह AM लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो AB इक्वल टू इस AM को तो मैंने ऐसे ही रखा, प्लस इस MB को मैं वापस से AM लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू 2AM, ठीक है। यहाँ से यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा, AM इक्वल टू AB अपॉन 2, ठीक है। या फिर AM या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू AB अपॉन 2। आया समझ में? तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये पूरी, यहाँ से देखो, ये पूरी अगर, ये पूरी समझाने के लिए आपको 10 है, ये पूरी अगर 10 है तो सिर्फ समझाने के लिए ये, ठीक है। ये 10 मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू 10 है A से B तक, मतलब ऐसे लिख लो AB इक्वल टू 10। तो मेरा जो AM होगा यहाँ से, ये भी 5 होगा और ये MB होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। मतलब AM जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2, मतलब 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिख लो, मैं बताना भूल गया, ठीक है। जो हमारा ये होगा एंगल, देखो ध्यान से, ओ एम ए, ओ एम ए इक्वल टू जो होगा ये ओ एम बी के, ओ एम बी के, और ये दोनों क्या है 90, मतलब एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, और उसी तरीके से एंगल ओ एम बी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये अलग से याद रखना, ठीक है। अच्छे से समझ में आया?
ये क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ चुका होगा और कहीं ना कहीं प्रूफ भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जैसे ही हमें यूज होगा हम तुरंत समझ लेंगे, अच्छा ये ऐसी थ्योरम है और उसको तुरंत अप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखना इसको, अच्छे से नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्वल कोर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये सर्कल है, ध्यान से देखना, दो सर्कल बना देता हूँ, एक सर्कल ये है और एक सर्कल यह है, ये बना दिया, ये ध्यान से देखना। अब मैं इसमें कोड ले लेता हूँ, मान लो एक कोड ये है इधर और एक कोड यहाँ पर है, ठीक है, और अगर ऐसे देखें तो एक कोड ये रहा और एक कोड ये रहा, ठीक है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, और इसी तरीके से ए बी सी डी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, सपोज करो यहाँ कहीं पे ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर को नाम दे दिया ओ, और यहाँ कहीं पे भी ये सेंटर है, सेंटर को नाम दे दिया ओ, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, हमें देखो सेंटर से ये इसको नाम दे दिया एल, और यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको नाम दे दिया एम, ठीक है, क्लियर है ये, और इससे इसको मिला दिया इस तरीके से, ये हो गया, तो ये एंगल हमें पता है, ये 90 और इधर ये भी 90, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रही है कि जो मेरा OL होगा, OL वो किसके बराबर होगा, OM के, ठीक है, एक तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखना, ठीक है, और सेम अगर इसको बनाऊं ऐसे तो देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस, इसको नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M, ठीक है, और इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर लो चाहो तो दोबारा से, कि इससे इसको मिला दो और इससे इसको मिला दो, ठीक है, इससे भी इसको मिला सकते हो, ऐसा नहीं है, इससे भी इसको मिला सकते हो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कैसे भी मिला सकते हो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जो मेरा OM होगा वो किसके बराबर होगा, OL के, एक रिजल्ट ये याद रखना है, एक रिजल्ट क्या याद रखना है, सेकंड रिजल्ट जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखना, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो चाहो तो अच्छे से, और स्टार बना के पॉइंट बना के लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस पे बेस मैंने एक बहुत अच्छे अच्छे एक नहीं तीन चार क्वेश्चन कराए हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों कोड एक साइड हो, जैसे ये दोनों कोड एक अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड, तो हमसे पूछ लेगा डिस्टेंस बिटवीन द कोड, और जब दोनों कोड एक साइड हो, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से ये कोड है और यहाँ पे एक ये कोड है, तब इन दोनों की ये डिस्टेंस पूछ लेगा सेंटर से। आई बात समझ में, क्लियर है? तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे मैंने आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन करवा रखे हैं, मैंने एक्चुअली पहले की वीडियो पहले शूट, मतलब बाद की वीडियो पहले शूट कर ली और ये वाली वीडियो बाद में शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा, वो इसके साथ आपको कंपाइलेशन में मिल जाएगा। नोट डाउन करो जल्दी से, इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अगली थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत ज़्यादा यूज होगी क्वेश्चन में, आप समझ नहीं सकते ये कैसे यूज होगी, और इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बना लिया मैंने, कहीं पे ये आर्क है, ये ले लिया आर्क, तो यहाँ पे नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया बी, ठीक है, और यहाँ कहीं पे ये सेंटर है, ये आर्क, ध्यान देखो मार्कर को, ये वाला आर्क, ठीक है, ये वाला आर्क, ये दिख गया इतना आर्क, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, कैसे, यहाँ से ये हो गया और ये हो गया, ये एंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया ओ, ठीक है, यही वाला आर्क जो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ध्यान से देखो, ये आर्क हो गया और ये रिमेनिंग पार्ट हो गया, ये वाला, ये रिमेनिंग पार्ट, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक दिख गया, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट, तो यही आर्क जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाएगा, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, किसी भी कोने में, ठीक है, कंडीशन क्या है, सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए ये, ऐसे, तो ये जो एंगल बना, ये वाला, देखो ध्यान से मार्कर को समझना, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी, तो ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल, और जो एंगल ये बना ए ओ बी, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो एंगल ए ओ बी है ये दुगना होगा किसका,
एंगल ए सी बी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। इसको देसी लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि केंद्र पे बना कोण सर के सर्कमफेरेंस मतलब परिधि पे बने कोण का डबल होगा, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं द एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और दूसरा इसी को भी ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है वो किसका ए ओ बी के आधे के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया अच्छे से? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि अगर ये एंगल मान लो 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आई बात समझ में। या फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 80 डिग्री, आई बात समझ में। याद रखना, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है इसका, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के देखना। मैं अभी तक 9 की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उन सबको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम पड़ेगा। अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली थ्योरम है। क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ऐसे समझो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, ठीक है, दो सर्कल बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। मान लो यहाँ पे कहीं पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये ए और ये पॉइंट हो गया बी, और यहाँ कहीं पे ये सेंटर है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये सेगमेंट, ये वाला ये सेगमेंट, ये इस सेगमेंट से, यहाँ देखो ध्यान से, इस सेगमेंट पे सेंटर पे दो अलग अलग एंगल बनेंगे। जैसे एक तो ये बना, देखो यहाँ से ए से इसको मिला दो सी को, और ए से इसको मिला दो बी को, ठीक है। तो ये बन गया एक एंगल थीटा वन, इसको नाम दे दो सी, ठीक है। और इसी से इसको मिलाओ, देखो इस सर्कमफेरेंस से एक और पॉइंट ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, इसको नाम दे दो डी और इसको दे दो थीटा टू। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि भाई जो हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखना, जो एंगल है एंगल ए सी बी, ध्यान से देखना, ए सी बी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के, ठीक है। मतलब थीटा वन जो होगा वो थीटा टू के बराबर होगा हमेशा, आई बात समझ में। बहुत ही प्यारी जबरदस्त थ्योरम है। अब इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले लूँ, मान लो ये सेंटर है, सेंटर ओ, इस पॉइंट को देखो ध्यान से, यहाँ ले लिया मैंने थोड़ा सा ऊपर ए यहाँ पे, तो ये सेगमेंट हो गया, ध्यान से देखो ये सेगमेंट ये वाला, ठीक है। या ये सेगमेंट ले लो, इससे यहाँ से ले लो, उसको छोड़ो, इस सेगमेंट को ले लो, इस वाले सेगमेंट को, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये सेगमेंट ले लिया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए से सेंटर पे एक सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया, देखो ध्यान से, ये वाला, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। और इसी तरीके से इसी ए से यहाँ पे बनाया ये, इसको नाम दे दिया डी। तो ये भी क्या कह रहा है, ये थ्योरम भी क्या कह रही है कि जो हमारा एंगल ए सी बी है वो बराबर होगा एंगल ए डी बी के। क्लियर है अच्छे से? बहुत ही ज़्यादा यूज होगा ये, अच्छे से समझना। और ज़रूरी नहीं कि दो ही बने, जितने भी बने और भी बना लो, सपोज करो यहाँ से ऐसे भी बना लो, इसको ऐसे, ये और ये, ठीक है, ये इसको नाम दे दो क्या, सी डी ई। तो एंगल ई ए ई बी जो होगा वो भी बराबर होगा एंगल, मतलब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, तीनों बराबर हो जाएंगे, आई बात समझ में। जितने भी बना लो सारे बराबर होंगे, अच्छे से समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, क्लास 9 की है, अच्छे से नोट डाउन करो। अभी तक हमने 10th के कुछ भी सेगमेंट को टच नहीं किया है, अभी हम सिर्फ 9th का ही रिकॉल कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि 9th में जो सर्कल पढ़ी होगी आपने वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और आपने कितने अच्छे से पढ़ी होगी वो आपको पता होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम चीज़ों को सही से छोटी क्लास में, मतलब 9th 8th 7th में नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हायर क्लास में हमें हमेशा परेशान करेगी, ये बात ध्यान रखना। अच्छे से समझ में, नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 5, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बोर्ड पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है, यहाँ देखो, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसको मिला दो ऐसे, ये डायमीटर है, ठीक है, ये क्या है डायमीटर, तो ए और यहाँ कहीं पर सेंटर है ओ और यहाँ कहीं पर बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेमी सर्कल बनाना है, तो सेमी सर्कल बनाना है तो इसको मिटा दो, ठीक है, ये हो गया ना ऐसे। या फिर यहाँ देखो ध्यान से, एक और सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसको मिला दो ऐसे, तो इस ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी, ठीक है।
इसको मिटा दो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मिटा दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कह रहा है कि जो ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा सर्कमफ्रेंस पे, कहाँ पे, यहाँ देखो, तो जो ये एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री, हमेशा याद रखना, ये 90 हुआ तो 90 के सामने ये क्या हो जाएगा पूरा मेरा हाइपोटेनियस, मतलब जो डायमीटर है वो मेरी क्या बन जाएगी हाइपोटेनियस। आई बात समझ में, क्लियर है बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट। इसी तरीके से इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, तो ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस के एंड पॉइंट है, तो इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, तो ये एंगल जो होगा ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री, याद रखना, बहुत काम की थ्योरम है, इतना बेहतरीन न्यूमेरिकल बनता है इस पर, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि एक बार को आपको समझ में ही नहीं आएगा, स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि करूँ कैसे, अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, अगली थ्योरम देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगली थ्योरम देखो, आपकी एक्सरसाइज में पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस है, सेकेंड एक्सरसाइज में, बहुत अच्छी थ्योरम है, और इस थ्योरम को बच्चे बहुत गलत तरीके से करते हैं और सोचते हैं कि मेरा सही है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता उनको कि असली रीज़न क्या है। देखो ध्यान से, जैसे ये कह रहा है कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है और इसके अंदर क्वाड्रिलेटर है, तो चार पॉइंट लिख लेते हैं पहले, तो एक पॉइंट ध्यान ले लिया मैंने ए, एक पॉइंट ध्यान ले लिया बी, एक पॉइंट ध्यान ले लिया कहीं पे सी, और एक पॉइंट ध्यान ले लिया डी, ठीक है। अब इन चारों को मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इससे इसको मिलाया ये बन गया, इससे इसको मिलाया ये बन गया, ठीक है, इससे इसको मिलाया ये बन गया, और इससे इसको मिलाया ये बन गया, बन गया क्वाड्रिलेटर, अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे सेंटर ले लेते हैं, इसको नाम दे दिया ओ, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है, है ना। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर को नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, फिर समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं सेंटर को, ठीक है, ओ, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो ध्यान से, इससे इसको मिला दो और इससे इसको मिला दो, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कह रहा है जो मेरा एंगल है, ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बोला था कि बच्चे इस थ्योरम को बहुत गलत तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ, देखो ध्यान से, माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जो एंगल हमारा एडीसी है, ए डी सी प्लस जो एंगल है ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब ध्यान से देखना, ए डी सी और ए बी सी, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत काम की थ्योरम है। यहाँ देखो, ये मेरा आर्क है, देखो ए, तो ये वाला इस आर्क के अंदर, इस वाले आर्क के अंदर जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है ए, देखो ध्यान से, ए डी सी, मतलब ये पूरा यहां तक, ये तो ए डी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा ए बी सी के, क्लियर है, आया समझ में, जो ए डी सी है वो किसके बराबर होगा ए बी सी के, मतलब ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये ऐसे था, ठीक है। अब यहां से देखना, ये जो मेरा आर्क है, यहाँ से देखो मार्कर को देखना मेरे, ये वाला ये इतना, ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये आर्क, इसी आर्क के अंदर जो एंगल बना ए डी सी, ध्यान से देखो, ये तो ये बना ए डी सी और ए बी सी, मतलब आर्क सेम होना चाहिए, यहाँ देखो, समझ में आया अच्छे से, इसी तरीके से यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, एक एक पॉइंट, आर्क सेम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ में आया। अब आगे देखो, जो अगला मेरा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है एंगल जो बी ए डी होगा, जो एंगल होगा बी ए डी, बी ए डी को देखो, बी ए डी, बी ए डी, ध्यान से देखो, बी ए डी, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, जो एंगल मेरा बी ए डी होगा, ध्यान से देखो, बी ए डी दिख गया अच्छे से, वो मेरा किसके बराबर होगा, वो बी सी डी के, वो किसके बराबर होगा, वो प्लस बी सी डी के, और ये दोनों कितने के बराबर होंगे 180 के, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब इसको ध्यान से देखना, इसका वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमारा बी ए डी, ध्यान से देखो, बी ए डी मतलब ये, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल बी ए डी जो बराबर होगा किसके होगा, बी सी डी के, मतलब इसके बराबर नहीं होगा, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा, मतलब ये वाला आर्क, देखो मेरे मार्कर को देखना, ये वाला आर्क, ए यहाँ से दिख गया आर्क, इसके अंदर का
आई बात समझ में? आर्क की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है अच्छे से? कोई समस्या? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नोट डाउन करो, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा काम की थ्योरम है। मतलब जो बी प्लस डी का समय वो होगा, वो डी प्लस बी का समय 180 और ए प्लस सी का समय वो कितना है 180, सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो, अगली थ्योरम देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हुआ? सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पे यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बना दिया, ठीक है। कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिया मैंने ए, यहाँ पे कहीं हो गया ये बी, यहाँ कहीं हो गया ये, यहाँ पे सी, और यहाँ कहीं पे हो गया डी। क्लियर है? इन चारों को जोड़ देते हैं बच्चे से, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ। यहाँ देखो, ये इससे मिल गया, ठीक है, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और ये इससे मिल गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब इस बी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ कहीं पे एक्सटेंड करके इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई। जो जो ये थ्योरम कह रही है, क्या कह रही है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जैसे ये वाला देखो, ये वाला, ये जो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, जो एंगल सी बी ई जो है, ठीक है, ये किसके? तो देखो, इसके, इसका सप्लीमेंट्री इधर होगा ये, और इसके अपोजिट ये हुआ है, इसके अपोजिट क्या हुआ, ये डी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब क्या होगा, ए डी सी के। आई बात समझ में? मतलब ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला ए, ये वाला बाहर वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आई बात समझ में? बहुत ही काम की थ्योरम है, एकदम से एग्जाम में आएगी तो ब्लंट हो जाएगा दिमाग, समझ में नहीं आएगा कि कैसे करूं, क्योंकि हमें ये थ्योरम ही नहीं पता है। थ्योरम नहीं पता है तो हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अननेसेसरी उस पर बैठ के सोचेंगे, 3 घंटे का समय होता है, 10-15 मिनट बेकार हो जाएंगे, फिर बाहर आके हम ही गाली देंगे कि अरे यार कैसा लेंदी पेपर था, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो मेरे से हिला ही नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की जो थ्योरम यूज होनी थी वो आपने पढ़ी नहीं थी। पढ़ी नहीं थी तो कहाँ से होगा, एक एग्जाम में कोई चमत्कार थोड़ी ना होगा कि कुछ ऐसा याद कर लिया किसी को और कुछ थिंकिंग कर ली और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होते भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, तो एग्जाम नहीं होगा आपसे। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगली थ्योरम देखते हैं, ठीक है।